ओम नमः शिवाय। माघ मास कृष्ण पक्ष रविवार सप्तमी तिथि दिन में 2:55 तक लगी रहेगी, तत्पश्चात अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में आज भी दिन में 2:35 तक चलते रहेंगे, तत्पश्चात स्वाति नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। चित्रा नक्षत्र के नक्षत्र स्वामी मंगलदेव हैं। आज के जन्मे जातक सुंदर मजबूत शरीर वाले, विभिन्न प्रकार के वस्त्र और आभूषणों को धारण करने वाले होते हैं। ऐसे जातक धन और ऐश्वर्य से युक्त, देवताओं और ब्राह्मणों के भक्त होते हैं। अपने मन की बात को अत्यंत गुप्त रखने वाले, अत्यधिक बुद्धिमान, स्पष्टवादी, व्यावहारिक मगर तुनक मिजाज और नेतृत्व करने की क्षमता वाले भी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा, दशा ठीक रही, मंगल और बुध और शुक्र की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा अगले 2.5 दिनों तक तुला राशि में ही चलते रहेंगे। आज चंद्रमा पर मंगल की 8वीं दृष्टि बनी रहेगी, जिससे प्रबल इच्छा शक्ति और धैर्य के साथ कार्य क्षेत्र में लगे रहेंगे और मन मुताबिक काम होते रहेंगे। किसी महत्वपूर्ण विषय पर निर्णय लेने में उतार चढ़ाव का संकेत मिलता है, मगर मानसिक स्थिरता, सकारात्मक प्रवृत्ति हर काम में सहयोग करेंगे। विभागीय सहयोग कायम रहेगा और आर्थिक लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी, मगर कार्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सावधानी बरतनी चाहिए। कुछ मामलों में विरोध की प्रवृत्ति और दोषारोपण की संभावना भी बनती है। आज रविवार है, आज भी ऋण नहीं लेना चाहिए, अन्यथा उसको चुकता करने में कई तरीके की परेशानियां हो सकती हैं। आज का राहु काल सायं 4:30 से लेकर 6 तक बना रहेगा। इस दौरान किसी नए काम की शुरुआत या कोई नया अनुबंध नहीं करना चाहिए, अन्यथा बाधित या विवादित हो सकता है। मेष राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र के उद्देश्य से आज का दिन बहुत अच्छा है। आपका आत्मविश्वास और ऊर्जा स्तर दोनों बढ़ा हुआ रहेगा। हर काम आसानी से संपन्न होंगे। भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा। साझेदारी के कामों में लाभ मिलेगा, मगर मां के स्वास्थ्य की चिंता और याददाश्त में कमजोरी संभावित है। हालांकि आपकी कार्य योजनाओं में अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे। विवाह संबंधी मामलों में अनुकूलता मिलेगी। अध्ययन अध्यापन में सफलता मिलेगी व संतान संबंधी मामले अनुकूल रहेंगे। साथ ही पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और सम्मानित किए जाएंगे। वृष राशि के जातकों के लिए चंद्रमा छठवें भाव में प्रभावी रहेंगे। स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं संभावित हैं। समय समय पर उचित चिकित्सकीय परामर्श लेते रहना चाहिए और निजी संबंधों में मानसिक दबाव महसूस होगा। हालांकि आपकी कार्य योजनाएं सुचारू ढंग से चलती रहेंगी और प्रतियोगी भावना विकसित होगी। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। अभीष्ट मित्रों से मुलाकात होगी। रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। संतान संबंधी मामलों में अनुकूलता बनी रहेगी। अध्ययन अध्यापन के लिए आज का दिन सामान्य होगा। सफलता के लिए प्रयास जारी रखें और वाहन सावधानी से चलाएं। मिथुन राशि के जातकों के लिए चंद्रमा 5वें घर में चलते रहेंगे। दृढ़ आत्मविश्वास के साथ नए अनुभव प्राप्त होंगे। रचनात्मक सक्रियता बनी रहेगी। आदरणीय व्यक्तियों या उच्च अधिकारियों की प्रेरणा लाभदायक सिद्ध होगी। नए आयाम स्थापित होंगे और नई कार्य योजनाओं के लिए अतिरिक्त ऊर्जा का संचार होगा। कुछ अतिरिक्त दायित्व और रचनात्मक क्रियाशीलता के साथ सीखते रहने की प्रवृत्ति भी बनी रहेगी। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। कर्क राशि के जातकों के कार्य क्षेत्र की अतिरिक्त जिम्मेदारी बनी रहेगी। आज का दिन सफलता भरा रहेगा। आपका आत्मविश्वास और ऊर्जा स्तर दोनों हर काम संपन्न करने के लिए सक्षम होंगे। रुके हुए काम संपन्न होंगे। बड़े कामों में निवेश का योग बनता है। अधिक जोखिम वाले आर्थिक निर्णय लाभदायक होंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी और किसी समारोह में शामिल होने का मौका मिलेगा। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी रखनी चाहिए। माता के स्वास्थ्य में सुधार और आवश्यक मानसिक दबाव में कमी और मन में नकारात्मक विचारों में भी सुधार संभावित है, मगर कल्पनाशीलता को नियंत्रित करने की आवश्यकता होगी। सिंह राशि के जातकों के लिए सकारात्मक प्रयासों का दौर जारी रहेगा और कार्य क्षेत्र के विकास की मानसिकता बनी रहेगी। आपके मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति से कार्य क्षेत्र के विस्तार में मदद मिलेगी, मगर पहल करने की प्रवृत्ति में रुकावट की संभावना बनती है। विरोधाभास का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि विभागीय अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा और रुके हुए काम संपन्न होंगे। व्यावसायिक और आर्थिक मामलों में मन मुताबिक लाभ मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक रहेगा। निजी रिश्ते प्रगाढ़ होंगे, मगर भविष्य की योजनाओं को किसी से साझा ना करें और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें।
कन्या राशि के जातकों के वाणी में तेजस्विता और प्रभावी ढंग से पेश करने की रचनात्मक पहल जारी रहेगी। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। स्वास्थ्य में सुधार व आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सरकारी कर्मचारी लाभान्वित होंगे। साझेदारी व मित्रजनों से लाभ संभव है। नई व्यावसायिक योजनाओं के प्रयास सार्थक होंगे और यात्रा का संकेत मिलता है। शिक्षा प्रतियोगिता में मेहनत करनी पड़ेगी। प्रयास जारी रखें। स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर ध्यान रखना चाहिए और मन स्थिति को संतुलित रखें। साथ ही वाहन सावधानी से चलाएं। तुला राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन सावधानी भरा बीतेगा। हालांकि रचनात्मक सक्रियता विकसित होगी। आर्थिक लाभ और सामाजिक मान प्रतिष्ठा पूरे दिन बनी रहेगी। नई कार्य योजनाओं में शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है, मगर महत्वपूर्ण निर्णय लेने में और स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी रखनी चाहिए। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल है और सामाजिक समारोह में शामिल होने का मौका मिलेगा। अपव्यय को नियंत्रित रखें और वाहन सावधानी से चलाएं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छे कामों में खर्च और व्यावसायिक उन्नति के लिए सहयोग करेगा। कार्य योजनाएं सुचारू ढंग से चलती रहेंगी। आर्थिक लाभ की स्थिति सामान्य रहेगी और संतान संबंधी मामलों में यात्रा का संकेत मिलता है, मगर आत्मविश्वास में कमी, अपव्यय और अनावश्यक चिंता भी संभावित है और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर ध्यान रखना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य है। शिक्षा प्रतियोगिता में सहयोग मिलेगा। पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी और निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे। धनु राशि के जातकों के आर्थिक लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी। कार्य क्षेत्र में सकारात्मक उत्साह जारी रहेगा और भाइयों के सहयोग से रचनात्मक सक्रियता में वृद्धि होगी। सरकारी कामकाज पूरे होंगे और प्रतियोगी भावना विकसित होगी। नई कार्य योजनाओं में विभागीय सहयोग बना रहेगा। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा और साझेदारी सफल रहेगी, मगर वाणी की मृदुलता बनाए रखें। संतान संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल है। नए रिश्ते की बुनियाद मजबूत होगी। भाग्यवश काम पूरे होंगे और वैवाहिक मामले सफल रहेंगे। मकर राशि के जातकों के लिए दिन भर का समय कार्य योजनाओं के विकास और सुधार के साथ साथ अधिकारियों के दिशा निर्देश और सहयोगियों के साथ व्यतीत होगा। अपनी योजनाओं का नेतृत्व सफलतापूर्वक ढंग से करते रहेंगे। नई व्यावसायिक योजनाएं फलीभूत होंगी। आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता रहेगा। कार्य क्षेत्र से संबंधित यात्राएं हो सकती हैं। साझेदारी से अतिरिक्त आय संभव है। अध्ययन अध्यापन के लिए समय अनुकूल रहेगा। माहौल को अपने अनुरूप करने में सफल रहेंगे। पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी, मगर स्वास्थ्य और संतान संबंधी चिंता प्रभावित कर सकती है। किसी बात को लेकर कार्य क्षेत्र में उलझना उचित नहीं होगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए कुछ मामलों में आज का दिन भाग्यशाली होगा। कोई बड़ी जिम्मेदारी पूरी हो सकती है। नई कार्य योजना में मदद मिलेगी और धार्मिक भावना में वृद्धि होगी। निजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। आर्थिक मामलों में अनावश्यक वाद विवाद संभावित है और कुछ कामों में विरोध और रुकावट की संभावना भी बनती है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। संतान संबंधी जिम्मेदारियों में तनाव के साथ साथ भावनात्मक लगाव बना रहेगा और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर ध्यान रखना चाहिए। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन अधिक परिश्रम और भाग दौड़ वाला बना रहेगा। कार्य क्षेत्र में मेहनत की प्रवृत्ति जारी रहेगी। धैर्य और आत्मविश्वास आपके काम को सफल बनाने के लिए सहयोग करेंगे। शासन सत्ता व विभागीय कर्मचारियों के सहयोग से कुछ रुके हुए काम भी संपन्न होंगे। छोटी यात्रा संभावित है, मगर मन मुताबिक आर्थिक लाभ में कमी महसूस होगी। आपको अपने प्रयास जारी रखने चाहिए। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य होगा। अध्ययन अध्यापन में मेहनत करनी पड़ेगी। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी रखें और वाहन सावधानी से चलाएं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।